हेलो गाइस, दिस इज़ कृष्णा गुप्ता. वेलकम यू ऑल इन योर स्टडी गुरु एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सीरीज़. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कॉग्निटिव मॉडल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कॉग्निटिव मॉडल इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्टडी. सो सिंपली, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव? Cognitive is related to the part of function that mental process that deals with the logic. तो simply हम कह सकते हैं कि cognitive model जो है वो completely mind, human mind के जैसा model है, या फिर हम कह सकते हैं human mind का जो model है या फिर human mind जैसे काम करता है उस तरह से कोई scientifically एक कोई model बनाया गया है उसको हम बोलते हैं cognitive model. तो कॉग्निटिव मॉडल रिलेटेड टू द लॉजिकल थॉट्स, अवेयरनेस एंड मेंटल प्रोसेस. एंड वी कैन से द मेंटल प्रोसेस शुड बी स्टडी साइंटिफिकली. जो भी मेंटल प्रोसेस है, किस तरह से माइंड जो है ह्यूमन का वो काम कर रहा है, किस तरह से वर्क करता है, क्या लेवल होता है, किस तरह से वो याद कर सकता है, किस तरह से वो अंडरस्टैंड कर सकता है, किस तरह से वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो ये कंप्लीट जो कंक्लूजन तैयार किया गया है वो कॉग्निटिव मॉडल से रिलेटेड है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन प्रोसेस एंड ह्यूमन प्रोसेसिंग एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड लेवल. हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनका सबका अपना अपना एक माइंड लेवल होता है, सबका एक वर्क करने का एक तरीका होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो उसी हिसाब से स्टडी करके एक कॉग्निटिव मॉडल डिज़ाइन किया गया है और उस हिसाब से कॉग्निटिव मॉडल किस तरह से हम ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्ट कर सकते हैं एक ईजी वे में, तो ये तैयार करने के बाद साइंटिफिकली इसका कंक्लूजन ये निकलता है. तो स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव मॉडल में क्या होता है. सिंपली कॉग्निटिव मॉडल इट इज़ एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड दैट डील्स विद द सिमुलेटिंग ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल प्रोसेसिंग इन कंप्यूटराइज्ड मॉडल. सो दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू द कॉग्निशन. सिंपली तो कॉग्निशन क्या होता है? सिंपली कॉग्निशन इज़ द नोइंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेटिंग, लर्निंग, नॉलेज, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, प्रोसीजर. तो सभी ये जो टर्म्स हैं वो रिलेट करते हैं एक माइंड लेवल से. हम क्या जानते हैं, क्या याद कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम याद कर सकते हैं, या कोई चीज़, कोई भी टास्क है उसको सीख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ करना सीख सकते हैं, या फिर कोई भी सिस्टम यूज़ करना सीख सकते हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख सकते हैं. और कह सकते हैं हम नॉलेज, उस सिस्टम के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, आपको उस एप्लीकेशन के बारे में कितनी नॉलेज है, आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो ईजी है या नहीं है. तो सिंपली ये सारी टर्म्स जो हैं वो रिलेट करती हैं. परसेप्शन, अटेंशन, अटेंशन क्या है आपको, आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपका अटेंशन लेवल क्या है, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कितना आप इमीडिएटली उसको क्लिक कर रहे हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं. मेमोरी लेवल क्या है, प्रोसीजर क्या है, आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कोई आपका शॉर्टकट फॉलो करता है, कोई लॉन्ग वे से चलता है और उस तरह से फॉलो करता है कि शॉर्टकट कीज से भी हमारा काम चल जाता है तो हम शॉर्टकट फॉलो करते हैं. तो कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा मेथड है हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सिंपल काम करने के लिए. तो ये सभी रिलेट करते हैं कॉग्निशन मॉडल से. अब आता है सच अ मॉडल कैन बी यूज टू सिमुलेट और प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर और परफॉर्मेंस. सो हम कह सकते हैं कि ये सिमुलेट है कि कोई भी मॉडल बनाया गया है, सिमुलेशन कैसे हो रहा है या फिर वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, परफॉर्मेंस लेवल क्या है. ऑन टास्क सिमिलर टू वंस मॉडल ऑफ इम्प्रूव द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव मॉडल. इट क्लेम्स टू हैव सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर एज दे इंटरेक्ट विद एन इंटरफेस दैट इज दे मॉडल सम आस्पेक्ट ऑफ द यूजर्स. सो सिंपली यहाँ पर कुछ आस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इंटेंशंस हैं, मेंटल प्रोसेस हैं, ये है. तो ये आपकी सिंपली रिलेट करती हैं कॉग्निटिव मॉडल से कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है आपका माइंड का, आपको नॉलेज कितनी है, या फिर आपका इंटेंशन क्या है, आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप बंद करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं सिस्टम को, कोई भी वेबसाइट है उसको लॉग इन करना चाहते हैं, लॉग आउट करना चाहते हैं. तो सभी का जो अपना अपना टास्क है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए क्लियर. नेक्स्ट है आपका मेंटल प्रोसेसिंग. मेंटल प्रोसेसिंग आप उसको काम को करने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना टाइम आपको क्लिक करने में लग रहा है, कितना टाइम आपको उस कर्सर को वहाँ तक लेके जाने में लग रहा है. तो ये सिंपल हम यूज़ करने का जो तरीका है वो मेंटल प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफर फ्रॉम द टेक्निक टू टेक्निक. डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के लिए जो लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा. नेक्स्ट है आपका गोल्स वर्सेस टास्क. अब हम देखते हैं गोल्स क्या होते हैं, टास्क क्या होता है.
गोल्स सिंपली इंटेंशंस कि हम क्या करना चाहते हैं. कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हम रिजर्वेशन करना चाहते हैं या फिर हम किसी वेबसाइट को लॉगिन करके कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, तो जो भी इंटेंशन होगा वो हमारा क्लियर होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट यू वुड लाइक टू बी ट्रू एंड गोल कैन बी डिवाइडेड इनटू सब गोल. जो भी गोल है आपका वो डिवाइड आपका कंप्लीट क्लियर होना चाहिए. उसके हिसाब से जो गोल होगा उसको हम सब गोल्स में डिवाइड करते हैं. जैसे मान लो अगर आपको कोई भी लॉगिन जीमेल पर एक मैसेज सेंड करना है तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा. लॉगिन आपका एक सब गोल हो गया. उसके बाद आपको कंपोज मेल पे जाना होगा. कंपोज मेल आपका सब गोल हो गया. तो सिंपली जो भी सब टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हमारे कंसीडर होंगे. नेक्स्ट आता है टास्क. टास्क सिंपली एक्शन. एक्शन मतलब कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर है कि ये मुझे ये काम करना है. उसके बाद में जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं उस काम को करने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, माउस क्लिक कर रहे हैं, आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी आपके एक्शंस हैं उस मोबाइल को यूज़ करने में आप क्या टास्क कंप्लीट करोगे अपना, तो जो भी एक्शंस होंगे, शो बी अचीव द गोल ऑफ सब गोल्स. टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टास्क एंड स्मॉलर टास्क. जो भी आप टास्क कंप्लीट करते हैं उनके हिसाब से आपका गोल कंप्लीट हो जाता है. तो टास्क मतलब इंटरमीडिएट एक्शंस जो भी आप परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव मॉडलिंग. कॉग्निटिव मॉडलिंग सिंपली प्रोवाइडेड थियोरटिकल फाउंडेशन ऑफ SCI इन द 1970s एंड 1980s. And this is the cognitive approach to SCI attempt to predict user performance based on model of cognition. So simply जो ये study की गई थी cognitive modeling की, वो simply predict user performance. किस तरह से हम user performance को predict कर सकें कि कौन user कितना time लगाता है, किसका mind level कितना है. मान लो कोई भी एक अगर हम survey तैयार करते हैं तो जिसमें 10 human beings को use एक application use करने के लिए दी जाए, तो उस particular application को use करने के लिए उसको क्या time लग रहा है, कितने time में वो complete कर पा रहा है उस task को, तो उस हिसाब से कोई भी एक model का conclusion तैयार किया गया. And then that is related to model of cognition. And it start with the model of how human act. ये आपका मॉडल है जो आपका रिलेट करता है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम है, कंप्यूटर है कोई भी, या मोबाइल है, या कोई भी डिवाइस है, उसको यूज़ करने में ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा है, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है उसको यूज़ करने के लिए. एंड यूज़ दैट मॉडल टू प्रिडिक्ट हाउ ह्यूमन वुड कम्प्लीट द टास्क यूजिंग ए पर्टिकुलर UI, यूजर इंटरफेस. इट मीन्स कि कोई भी यूजर इंटरफेस है आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है तो आप उसको इजीली परफॉर्म कर पाएंगे. अगर आपको वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो आप उसको नहीं यूज़ कर पाओगे. हम कह सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन है, अगर हमें उसको यूज़ करना आता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं आता है तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका. उसको यूज़ करने का जो तरीका है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं, बटन्स होती हैं, या फिर कोई भी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, जो भी है वो सिंपली वहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये आपको यहाँ पर टास्क कंप्लीट करना है. तो यूज़र इंटरफेस अगर क्लियर होगा तो आप सिंपली कॉग्निटिव मॉडल जो होगा वो अच्छा वर्क करेगा, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू द टेक्निक्स एंड कॉग्निटिव मॉडल्स. अब कॉग्निटिव मॉडल जो है वो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ हायरार्किकल मॉडल, सेकंड वन इज़ लिंग्विस्टिक एंड ग्रामेटिकल मॉडल, एंड थर्ड वन इज़ फिजिकल डिवाइस मॉडल. सो ये 3 मॉडल्स हैं, हम 1 by 1 कवर करेंगे. हायरार्किकल मॉडल्स के अंदर आपके आते हैं GOMS, दैट इज़ रिलेटेड टू द गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स, सेलेक्शन. एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, CCT. लिंग्विस्टिक और ग्रामेटिकल मॉडल से रिलेट करता है BNF, दैट इज़ वेकस एंड नॉरफॉर्म, एंड टास्क एक्शन ग्रामर TAG. एंड थर्ड वन इज़ फिजिकल एंड डिवाइस लेबल मॉडल, इससे रिलेट करता है आपका की स्ट्रोक लेबल मॉडल एंड 3 स्टेट मॉडल. तो सिंपली हम देखने वाले हैं सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल को. तो हायरार्किकल मॉडल जो है वो सिंपल गोल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, और इसके अंदर जो टास्क होते हैं उनके टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं ये कंप्लीट गोल है. कोई भी गोल हो सकता है आपका. आपका गोल डिसाइडेड है तो आप उस गोल को सब टास्क में डिवाइड कर देंगे. सब टास्क में डिवाइड करने के बाद में इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसका प्रेडिक्शन, क्या क्वालिटी है इस टास्क कंप्लीट करने की, इसकी करने की क्या है, इसकी करने की क्या है, तो इनका जो भी टाइम प्रेडिक्शन होगा ये भी टाइम प्रेडिक्शन होगा. ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंप्लीट यहाँ पर जाएगा. तो सिंपली हम कह सकते हैं टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल. एंड नेक्स्ट वन इज़ लिंग्विस्टिक मॉडल, How to interact with system.
डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड. तो ये जो है वो लेबल रिप्रेजेंट करता है ग्रामेटिकल और लॉजिकल मॉडल से, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का जो माइंड लेवल होगा वो क्या है, दूसरे वाले का क्या है, वो किस तरह से टास्क को कंप्लीट करना है. जैसे आपको अगर कोई भी सिस्टम शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने के लिए कोई तो शॉर्टकट यूज़ करता है और कोई उसको कंप्लीट पावर स्विच ऑफ करेगा या फिर स्टार्ट पैनल पे जाके उसको शट डाउन पे क्लिक करेगा. तो सबका जो मेथड है वो अपना अपना होगा, किसको कितना टाइम लग रहा है इंटरेक्ट करने में वो सिंपल अलग अलग होगा. नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड डिवाइस लेबल मॉडल, दैट इज़ रिलेटेड टू द सिंपली चॉइस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, कि आपकी चॉइस क्या है, आप किस तरह से उस काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप कौन सा टास्क कंप्लीट कर रहे हैं. जैसे आपको सिंगल क्लिक में आप काम कर रहे हैं, डबल क्लिक में काम कर रहे हैं, तो जो भी आप सेटिंग चेंज कर देते हैं अपने सिस्टम की कि मुझे सिंगल क्लिक में करना है, डबल क्लिक में करना है या फिर लॉन्ग प्रेस करके करना है माउस को, तो उस हिसाब से जो भी हमारा फिजिकली सिस्टम को चेंज कर देना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देना रिलेटेड करता है आपका फिजिकल डिवाइस मॉडल से. सो सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्किकल मॉडल को. तो उससे पहले हम देखेंगे कि कॉग्निटिव थ्योरीज जो हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में वो कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले है आपका KLM. KLM सिंपली की स्ट्रोक लेवल मॉडल से रिलेट करता है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज़र टास्क बेस्ड ऑन द लो लेवल एक्शन. इसका सिंपली यही मतलब है कि आप कोई भी की प्रेस कर रहे हैं, आपने मान लो ए प्रेस किया, तो सिंपल यहाँ पर ए आपने स्क्रीन पर आपका ए प्रिंट हो गया. अब उसके बाद आप बी प्रेस करते हैं, तो इस ए और बी के प्रेस करने से पहले आपका एक जो की थी, आपने ए प्रेस किया, इट मीन्स आपकी फिंगर टेप आपने किस पे किया, की पे किया, उसके बाद आपको फिंगर को आपने उठाया, फिर से आपने बी पर प्रेस किया, तो जो भी आपका जो टाइम लग रहा है इसको प्रेस करने में, इसको प्रिंट करने में, फिंगर चेंज करने में, माउस क्लिक करने में, तो ये जो कंसीडर होता है वो कम्प्लीटली KLM के अंदर आपका कंसीडर होता है कि आपका जो सब टास्क है वो कैसे कर रहे हैं आप, माउस क्लिक करने में कितना टाइम लग रहा है, कीबोर्ड क्लिक करने में टाइम कितना लग रहा है, जो भी आपकी विंडो पे कर्सर मूवमेंट है उसमें कितना टाइम लग रहा है, तो कम्प्लीटली ये रिलेट करते हैं आपके KLM से. नेक्स्ट है आपका गॉम्स मॉडल. गॉम्स मॉडल सिंपली गोल ऑपरेटर्स मेथड्स एंड सेलेक्टर्स हैं. इसके अंदर आपका गोल सिंपली आपको पहले से डिसाइड करना रखना होगा एंड ऑपरेटर्स आप क्या यूज़ करने वाले हैं वो डिसाइड करना होगा. मेथड कौन कौन से हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसके दो मेथड हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो सिंपली आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है. सेलेक्टर सिंपली कि हमारे पास अगर किसी काम को करने के लिए फोर मेथड हैं तो हम कोई भी उनमें से वन सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपका सेलेक्टर्स के अंदर आता है. हायर लेवल ऑफ KLM विद द स्ट्रक्चर एंड हायरार्की, तो ये आपका हायरार्की से रिलेटेड है कम्प्लीटली. एंड नेक्स्ट इज फिट्स लॉ. फिट्स लॉ प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग इट विल टेक अ यूजर टू सेलेक्ट अ टारगेट यूज फॉर द इवेल्यूएटिंग डिवाइस इनपुट. फिट्स जो लॉ है वो आपका कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी जो विंडो है, अगर आप पे के विंडो पर कोई भी आइकन बना हुआ है, यहाँ पर कुछ आपने लिख दिया है, ये आपका आइकन है, एक आपका छोटा सा आइकन है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो आपका जो माउस है हिट करने में सबसे सिंपल जो हिट करने का जो तरीका रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी बड़े जो आइकन है उसको हम पहले हिट कर सकते हैं या फिर हम उसको पहले क्लिक कर पाएंगे, इजीली क्लिक कर पाएंगे, इसको पहले हमें उस पर्टिकुलर जगह तक लेके जाना पड़ेगा, हो सकता है छोटा सा पॉइंट है इस पर आपको क्लिक करना है, तो माउस को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो जो फिट्स लॉ है वो इससे रिलेट करेगा आपका, कि जो आपका आइकन है स्क्रीन पर या फिर जो आपका बटन है या फिर हम कह सकते हैं कोई भी डिवाइस है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट बटन्स लगे हुए हैं, उस बटन में से आपको इजीली कौन सी बटन क्लिक करने में आ रही है और कॉम्प्लिकेशंस किस में हैं, तो जो फिट्स लॉ है वो इससे रिलेट करता है कि हमें किसी भी सिस्टम को क्लिक करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए इतना सिंपल बनाना है कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी यूज़र को या फिर किसी भी क्लाइंट को यूज़ करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो. नेक्स्ट इज MHP. MHP इज सिंपली रिलेटेड टू द मॉडल ह्यूमन प्रोसेसर्स एंड दैट इज़ द मॉडल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड अंडरलाइंग ईच ऑफ दीज थ्योरीज. MHP कम्प्लीटली मॉडल ह्यूमन प्रोसेसर से रिलेट करता है. इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं, जैसे स्टेट मॉडल हो गया, किस तरह से आपके मॉडल होंगे, क्या वर्क फ्लो होगा, तो ये आपके मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं. तो ये हो गई आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज इन SCI. अब हम स्टार्ट करते हैं हायरार्किकल मॉडल्स को. तो हायरार्किकल मॉडल में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गॉम्स मॉडल, जो हमारा स्टार्टिंग का मॉडल है. गॉम्स मॉडल. नाउ व्हाट इज़ गॉम्स मॉडल?
simply. GOMS provide a higher level language for the task analysis and UI modeling. ये completely आपका higher level language से related है जो हम use करते हैं, understand कर पाते हैं कोई भी task analysis करने के लिए, user interface को use करने के लिए या फिर user interface model को use करने के लिए. Generate a set of quantitative and qualitative measures based on description of task and user interface. ये आपका generate करता है कि कोई भी task हम complete कर रहे हैं, उस task को complete करने में कौन सा method हमारा best होगा, उस method के हिसाब से हमारी जो task की complete करने की quality है वो कितनी अच्छी होगी और कितनी नहीं होगी. तो ये measure किया जाता है GOMS model के through. Next is provides a hierarchy of goals and method to achieve them. अब सिंपली GOMS मॉडल ये है कि हमें किसी भी टारगेट को कंप्लीट करना है या फिर हम कह सकते हैं किसी भी गोल को कंप्लीट करना है तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो अप्लाई करने होंगे, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसको बेस्ट करने के लिए कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारा हायरार्की इससे रिप्रेजेंट होगी. Next is different GOMS variant use different terms operate at the various level of abstraction and make a different simplifying assumptions. जो भी GOMS model है तो आपका goal आपको पता है, आपको मान लो कहीं one place to another place जाना है तो आपको क्या system रहेगा जाने का, आप किस चीज़ को follow करने वाले हैं, आप train से जाना चाहते हैं, flight से जाना चाहते हैं, bus से जाना चाहते हैं, it's depend upon only on you. तो ये जो है आपका target है कि मुझे जाना है, अब कैसे जाना है, किस तरह से जाना है, सारा का सारा जो है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हैं हिडन है. बस मुझे सिंपली वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, उसके बीच के जो भी टास्क हैं आपके वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस कहलाते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ GOMS मॉडल. तो GOMS मॉडल में फोर टर्म्स हैं जो आपकी GOMS. तो डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर बाय फर्स्ट रिलेट इज़ गोल and the second is operators, third one is methods and S related to the selectors. So simply, what is the GOMS model? Define human behavior by, first term is related to the goal, goal is G and what is the user want to achieve? Ki user kya karna chahta hai, kya usko kaam complete karna hai. Operators, basic action user performs, jo bhi basic actions hain jo user perform karega. जैसे कोई भी आपने सिस्टम है वो शट डाउन करना है तो शट डाउन करने के लिए मैंने अगर शिफ्ट ऑल्ट F4 प्रेस किया या फिर कोई भी विंडो है आपको क्लोज़ करनी है कंट्रोल W आपने क्लोज़ किया तो उस हिसाब से आपका जो भी टास्क है वो सिंपल कितने अच्छे से हो रहा है, सिंपली आप कितने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ मेथड्स. मेथड्स में आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ गोल इनटू सब गोल्स ऑपरेटर्स. मेथड्स मतलब कि आपका कोई भी गोल है उसको करने के लिए आपके कौन कौन से सब गोल्स हैं, आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. सिंपली सेलेक्टर्स रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ चूजिंग बिटवीन कम्पिटिंग द मेथड्स. जो भी आपके मेथड्स हैं उन मेथड्स में से आपका कौन सा बेस्ट मेथड है उनमें कंपेयर करना और उस कंपैरिजन के बेस पे जो बेस्ट हो, जो बेस्ट रिजल्ट दे और बेस्ट टाइम के अंदर दे, मतलब कि कम से कम टाइम उसको लगे, तो ये है होता है आपका सेलेक्टर्स. सो हम एग्जांपल लेते हैं इसका. एग्जांपल सिंपली GOMS एग्जांपल नंबर वन. इसके अंदर आपका गोल है क्लोज विंडो, आपको विंडो को क्लोज करना है. सिंपल विंडो क्लोज़ करने का क्या मतलब है कि कोई भी आपकी विंडो है, यहाँ पर आपके कुछ टैब्स ओपन है, यहाँ पर आपने टैब करे हुए हैं, यहाँ पर आपके क्रॉस लगा हुआ है, तो आपका सिंपल तरीका क्या होता है कि आप यहाँ माउस लेके जाएंगे, आप क्लिक करेंगे और इसको क्लोज़ करेंगे. अगर मुझे शॉर्टकट यूज़ करना हो तो मुझे कैसे यूज़ करना होगा, तो सिंपल हमारा जो गोल है वो इस विंडो को क्लोज़ करना है, इस पर्टिकुलर विंडो को क्लोज़ करना है. तो क्लोज़ करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा यूज़ करेंगे, ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं. तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सेलेक्ट सब गोल. सब गोल में क्या है, यूज़ मेन्यू मेथड. आप सिंपल मेन्यू यूज़ करेंगे, मेथड आप उस पर क्लिक करेंगे और मेन्यू यूज़ करके उसको क्लोज पर क्लिक करेंगे. मूव माउस टू फाइल मेन्यू, आप फाइल मेन्यू पर जाएंगे. पुल डाउन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू को आप पुल करेंगे. क्लिक ओवर द क्लोज ऑप्शन, आप सिंपल क्लोज पर क्लिक करेंगे, जो आपका क्रॉस दिखेगा उस पर क्लिक करोगे. सब गोल्स क्या हैं, नेक्स्ट सब गोल क्या है, पहला सब गोल आपका हो गया मेनू मेथड को यूज़ करना एंड सेकंड सब गोल जो है वो आपका हो गया
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू मेथड को यूज़ करना, मतलब आप शॉर्टकट अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू की, सिंपल हो जाएगा। फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका फॉलो करने वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। अब इनमें से आपको कौन सा यूज़ करना है ये यूज़र पर डिपेंड करेगा, यूज़र नंबर वन पर और यूज़र नंबर टू पर। तो ये आप कौन सा यूज़ करेंगे वो आपके माइंड और कॉग्निटिव मॉडल पर डिपेंड करता है। तो रूल नंबर वन, रूल नंबर इज सिंपली सेलेक्ट यूज मेन्यू मेथड अनलेस अनदर रूल अप्लाई। जब तक आपका दूसरा रूल अप्लाई नहीं होगा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर टू कहता है इफ़ द एप्लीकेशन इज गेम सेलेक्ट कंट्रोल डब्ल्यू मेथड, तो आप सिंपली कंट्रोल डब्ल्यू मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू आपका है डिलीट अ वर्ड इन अ सेंटेंस। एक कोई भी सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ यही सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें से इस पर्टिकुलर वर्ड को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, आप सिंपली क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, इसको कट कर दोगे, ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप एक पर्टिकुलर कर्सर को यहाँ ला के, मान लो इसको डिलीट करना है तो पर्टिकुलर कर्सर को यहाँ ला के बैक करोगे तो भी आपका डिलीट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कर्सर को यहाँ ला के आप अगर डिलीट प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास डिफरेंट मेथड्स हो गए। अब आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ये आपके थ्री मेथड्स हैं, आप तीनों में से कौन सा यूज़ करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। सो डिलीट अ वर्ड इन अ सेंटेंस मेथड नंबर वन, फॉर एकम्प्लिस द गोल फॉर ऑफ डिलीटिंग ए वर्ड यूजिंग द मेन्यू ऑप्शन। आप सिंपली मेन्यू ऑप्शन को यूज़ करें और आप उस पर क्लिक करें और आपका डिलीट, वहाँ से आप कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो स्टेप नंबर वन देखते हैं, रिकॉल दैट वर्ड टू डिलीट हैज़ टू बी हाईलाइटेड। सिंपल, हमें अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप इज़ रिकॉल दैट कमांड इज़ कट। सिंपली आपको हाईलाइट करके उस पर राइट क्लिक करना है, मेनू ऑप्शन पे जाना है, सिंपल कट पे प्रेस करना है, कट आपका हो जाएगा। रिकॉल द कमांड कट इज़ इन एडिट मेन्यू, रिकॉल एंड accomplishing द गोल सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कट कमांड। आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब आप क्लिक करेंगे तो आपकी कट कमांड वहाँ पर काम करेगी। रिटर्न विद द गोल accomplished, अगर आप ये काम करते हैं तो आपका ये गोल है वो कम्प्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि जो भी आपने मेथड यूज किया डिलीट करने के लिए, पहले हाईलाइट किया, फिर उसको कट मेन्यू पर गए, फिर उसको आपने कट किया, ये आपका कट अप्लाई हो गया, और कट अप्लाई होने के बाद आपका जो वर्ड है वो वहाँ से डिलीट हो गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड मेथड क्या है, रिकॉल वेयर द वेयर टू पोजिशन कर्सर इज रिलेशन टू द वर्ड टू बी डिलीटेड। आप जिस भी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं आप उस पर लेके जाएंगे। रिकॉल विच की इज टू डिलीट ईच लेटर, आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि अगर मुझे इस लेटर को डिलीट करना है तो कौन सी की मैं प्रेस करूं। इट मींस अगर मैं कर्सर यहाँ रखती हूं तो मुझे बैक प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं इस वर्ड को डिलीट करना चाहती हूं, अगर मेरा कर्सर यहाँ पर है तो मुझे डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है किस बटन को आप यूज़ करना चाहते हैं। प्रेस डिलीट की टू डिलीट ईच लेटर एंड रिटर्न विद द गोल अकम्प्लिश्ड, आपका रिटर्न जो भी गोल है वो कम्प्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। गॉम्स मॉडल एग्जाम्पल नंबर टू के जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या काम करते हैं, ऑपरेटर्स टू यूज़ इन अबव मेथड्स, क्लिक माउस ड्रैग कर्सर ओवर द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट पे माउस को लेके जाना पड़ेगा, उसको ड्रैग करना पड़ेगा सेलेक्शन के लिए, एंड सेलेक्ट मेन्यू मूव कर्सर टू कमांड प्रेस कीबोर्ड एंड की गॉम्स। जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी आप की यूज़ कर रहे हैं, आप माउस यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी सेलेक्शन प्रोसेस है दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज सेलेक्टर्स, सेलेक्शन रूल्स टू डिसाइड विच मेथड टू यूज डिलीट टेक्स्ट माउस एंड सेलेक्टिंग फ्रॉम द मेन्यू इफ़ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इज़ टू बी डिलीटेड। अगर आपका ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा आपको डिलीट करना है तो आप सिंपली कौन सा यूज़ करेंगे, कट यूज़ करेंगे या फिर कंप्लीट को सेलेक्ट करके और डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा। अगर आप बैक करते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको टाइम लगेगा। डिलीट टेक्स्ट यूजिंग द डिलीट की इफ़ स्मॉल नंबर ऑफ लेटर्स आर टू बी डिलीटेड, अगर आपको सिंपल कम जो वर्ड्स हैं वो डिलीट करने हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर लेंगे। तो सिंपली मैं कहना चाह रही हूँ कि आपका जो ये आपको कंप्लीट डिलीट करना है, तो कंप्लीट डिलीट करने के लिए अगर आप कर्सर यहाँ लेके जाते हैं, बैक प्रेस करते हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा इसको कंप्लीट डिलीट करने में। अगर मैं इसको कंप्लीट को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करती हूँ, पूरा का पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, इट मीन्स ड्रैग फ्रॉम हेयर टू हेयर।
ये सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट करती हूँ, मुझे बहुत कम टाइम में ये डिलीट हो जाएगा। तो यही आपका सिंपल मेथड होगा। नेक्स्ट इज कार्ड मोन एंड न्यू वेल गॉम्स। ये जो है आपका वो CMN फैमिली है जो आपकी गॉम्स फैमिली से रिलेट करती है। CMN गॉम्स इज़ द ओरिजिनल गॉम्स मॉडल प्रपोज बाई कार्ड मोड एंड द न्यू वेल। ये आपका CMN गॉम्स बिल्ड फॉर द KLM बाई एडिंग द सब गोल्स एंड सेलेक्शन रूल्स। ये आपका KLM से रिलेट करता है। एंड CMN गॉम्स मॉडल कैन प्रिडिक्ट द ऑपरेटर सीक्वेंस एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग टाइम। इसका मतलब है कि गॉम्स मॉडल के अंदर हम सिंपली गोल सेलेक्टर्स मेथड्स ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन मेथड्स को यूज़ करने का वर्क फ्लो क्या होगा, कौन सा स्टेप पहले फॉलो होगा, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी सिक्वेंस है कि कौन सा सिक्वेंस हमारा वेल सिक्वेंस होगा, मतलब प्रॉपर सिक्वेंस में हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एग्जीक्यूशन। CMN GOMS has been used to model processor and the card at all 1983 CAD system for ergonomics design. Ergonomic design जो ergonomic keyboards होते हैं जो special category के लोगों के लिए hands के लिए use होते हैं। And Sun Micro System web pages ये उनके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज। नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज जो है ये भी आपका गॉम्स फैमिली से रिलेट करता है। नेचुरल लैंग्वेज NGOMSL build on CMN GOMS by providing the natural language notion for representing the GOMS model as well as procedure for the constructing the method. किस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिसको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ या फिर उनको ईजिली यूज़ कर पाएँ, क्या थ्योरी होगी उसकी। तो अंडर NGOMSL मेथड आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग द कॉग्निटिव थ्योरी नोन एज कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी और CCT। द कॉग्निटिव थ्योरी अलाउज द NGOMSL टू इनकॉर्पोरेट इंटरनल ऑपरेटर्स सच एज मैनिपुलेटिंग वर्किंग मेमोरी इन्फॉर्मेशन और सेटिंग अप द सब गोल्स। ये सभी आपके रिलेट करते हैं। Because of this, NGOMSL can also be used to estimate the time required to learn how to achieve task. कि हम किस तरह से टास्क को कंप्लीट करेंगे, उसको लर्न करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये इन सब का जो एस्टिमेशन होता है, जो आपका प्रिडिक्शन होता है, जो वैल्यूज़ होती हैं निकल कर आती हैं टाइम की, उनको ये मेजर करता है। विलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल NGOMSL मॉडल टेकन फ्रॉम द जॉन KRS एंड मॉडिफाइड ब्रेविटी। तो ये आपका कंप्लीट मॉडल हो गया जो रिलेट करेगा आप नेचुरल लैंग्वेज एंड वर्क फ्लो एंड द थ्योरी ऑफ CCT। नेचुरल गॉम्स मॉडल एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, सिंपली हमने कट टेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो गोल है आपका कट टेक्स्ट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 एकम्प्लिश द गोल हाईलाइट टेक्स्ट, हमें हाईलाइट करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को। रिटर्न दैट कमांड इज कट एंड द एकम्प्लिश द गोल इशू इज कमांड। थर्ड इज़ रिटर्न विद द गोल एकम्प्लिश्ड। सेलेक्शन रूल्स आपको हाईलाइट करना है। इफ़ टेक्स्ट इज़ वर्ड, आपका टेक्स्ट जो वर्ड है, देन एकम्प्लिश द गोल हाईलाइट वर्ड। एंड इफ़ टेक्स्ट इज़ आर्बिट्री, देन एकम्प्लिश द गोल हाईलाइट आर्बिट्री टेक्स्ट। एंड रिटर्न विद द गोल एकम्प्लिश्ड, आपका कंप्लीट हो जाएगा, कट हो जाएगा। मेथड ऑफ फॉर गोल हाईलाइट आर्बिट्री टेक्स्ट। सेकेंड नंबर देखते हैं, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि जो भी आपका जो पोजिशन है बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, अगर आप बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट मतलब कि आपने ये टेक्स्ट का सेलेक्ट करना है, तो बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट लेके गई मैं यहाँ से, इस टेक्स्ट को मैंने कंप्लीट सेलेक्ट किया, तो इस सेलेक्शन में मुझे कितना सेकंड लग रहा है। मूव कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जो भी मूव है, जैसे मुझे यहाँ कमांड पे लेके जाना है तो इसको ले जाने में मुझे कितना टाइम लगा। क्लिक माउस बटन, माउस बटन क्लिक करने में कितना टाइम लगा। मूव कर्सर टू एंड ऑफ द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से यहाँ तक ले जाने में कितना टाइम लगा। शिफ्ट क्लिक माउस बटन, माउस बटन को क्लिक करने में, शिफ्ट राइट क्लिक करने में कितना टाइम लगा। वेरीफाइड दैट करेक्ट टेक्स्ट इज़ हाईलाइटेड, उसको देखना कि आपका जो सिलेक्शन है वो सही हुआ या नहीं। कई बार हम सेलेक्ट करते हैं और कुछ गलत टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है, तो कुछ और डिलीट हो गया, तो उस केस में उसको चेक करना कि ये करेक्ट टेक्स्ट आपका हाईलाइटेड है या फिर नहीं है, उसको चेक करने में कितना टाइम लगा। रिटर्न विद द गोल एकम्प्लिश्ड, NGOMSL मॉडल प्रिडिक्ट दैट इट विल टेक द दिस पर्टिकुलर सेकेंड्स। इट मीन्स कि ओवरऑल प्लस कर देना, मतलब कि आपका जो ओवरऑल टाइम है कितना लगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाइड करने में या फिर उसको कट करने में।
नेक्स्ट इज कॉग्निटिव परसेप्चुअल मोटर्स जिस दैट इज रिलेटेड टू द गॉम्स फैमिली एंड द CPM गॉम्स बिल्ड फॉर द प्रीवियस गॉम्स मॉडल बाय एज्यूम टू परसेप्चुअल कॉग्निटिव एंड द मोटर ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म इन द पैरेलल. किस तरह से काम करती है मोटर आपकी और पैरेलली हम किसी भी टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. इट एम्प्लॉय द शेड्यूल चार्ट एंड रिप्रेजेंट द ऑपरेटर्स एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द ऑपरेटर्स. इट मीन्स कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में ऑपरेटर को यूज़ करने में डिपेंडेंसी क्या है कि अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं आपकी फिंगर माउस पे अगर है आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड यूज़ करने के लिए पहले उसको हटाना पड़ेगा उसके बाद आपको कीबोर्ड यूज़ करना पड़ेगा. तो डिपेंडेंसी कंप्लीटली फिंगर मूवमेंट हैंड मूवमेंट. CPM GOMS इज ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल पाथ मेथड GOMS. द फिगर बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल चार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल रीड स्क्रीन एंड वेन एन आई मूवमेंट इज रिक्वायर्ड. आपको आई मूवमेंट भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि अगर हम कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करने के लिए या फिर उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें आई मूवमेंट कैसे करना होगा कि कीबोर्ड से हमने माउस पे हाथ रखा तो माउस के हिसाब से आपका कंट्रोल होना चाहिए कीबोर्ड है तो आपका आई मूवमेंट होना चाहिए. द सीक्वेंस विच प्रोसीजर द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द चार्ट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ एंड द रिप्रेजेंट द एस्टिमेट टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क. जो भी टास्क है आपको कंप्लीट कैसे करेंगे आप उसको और कौन सा चार्ट आप फॉलो करेंगे किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होगी. इन दिस केस एज्यूमिंग द सिंपल बाइनरी विजुअल सिग्नल एंड ऑन द स्क्रीन द क्रिटिकल पाथ ये आपके कुछ कुछ सेकंड्स हैं जो आपके टास्क को कंप्लीट करने में लगे तो उनको प्लस कर दिया जाएगा. दिस पर्टिकुलर मॉडल एज्यूम विद दैट विजुअल परसेप्शन कॉग्निटिव ऑपरेशंस एंड द आई मूवमेंट एंड ऑक्यर इन द पैरेलल. किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टास्क. सो एप्लीकेशंस ऑफ GOMS मॉडल इज सिंपली GOMS मॉडल कैन बी क्लासिफाइड एज प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एंड द GOMS मॉडल इज प्रिडिक्टिव and because it can be used to predict the time it will take the user to perform task under the analysis long as developer can come up the estimation for the operators and involve in each model. ये आपके हर मॉडल में आपका इन्वॉल्व होगा. एंड द GOMS मॉडल इज डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस दैट इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वे अ यूजर परफॉर्म टास्क ऑन द सिस्टम. एंड लास्ट वन इज द मैथड सब गोल्स एंड सेलेक्शंस रूल्स प्रोवाइड द डिज़ाइनर विद द डिस्क्रिप्शन एंड द प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस रादर देन द सिंपली ए टाइम एस्टिमेट. नेक्स्ट इज GOMS मॉडल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड prescriptive and because it can serve the guide for developing training programs and help systems. Next is once a GOMS model has been developed for achieving a certain goal, this model can be used to teach new users how to achieve the goal. Because GOMS can be provide the quantitative and estimate of task of execution time, it can be properly be considered as a verifiable theory. Next is the accuracy of GOMS model is highly dependent on the estimates of operators' time values, a result that does not match the prediction and can be explained and away by the variations and operators' time values and specifies the users. Since the theory underlying GOMS model may not be truly falsifiable and GOMS should not be concerned legitimate and theory of human cognition. More detail on this subject is represented in the limitation sections below. So, influence GOMS enjoy the significant influence of theory of SCI. It is one of the few widely known theoretical concept within the application. And it has been called most mature and engineering model for the human performance. GOMS model continue the apply to evaluation of software systems and GOMS remains the active area of scientific research. So thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.